ये स्लाइडिंग मेश जो है 90 डिग्री में बिल्कुल क्लोज हो जाती है और आप देखिए आप आराम से अंदर बैठिए, अपना जो भी चाय पीनी है, पानी पीना है, जो भी ड्रिंक वगैरह लगाना है, आराम से अपना एंजॉय करिए हवा के साथ, पूरा मस्त बिल्कुल होकर एंजॉय करिए। लॉकिंग सिस्टम आपने बनाया कि ये लॉक सिस्टम है, मैग्नेटिक सिस्टम है जो बिल्कुल 100% सील कर देता है, कोई मक्खी मच्छर अंदर नहीं आ सकता। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुभम्र, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। आज मैं आपको लेकर आ गया हूं इंडेक्स फेयर में और यहां पर काफ़ी सारी कंपनियों ने स्टॉल लगाया हुआ है और आज मैं आपको एक यूनिक प्रोडक्ट दिखाने वाला हूं और ऐसा प्रोडक्ट जो इंडिया में पहली बार ये कंपनी लेकर आए हैं और ये है इंसेक्ट शील्ड का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पर शोकेस किए हैं, उनके बारे में जानेंगे और कंपनी के बारे में जानेंगे और साथ ही अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और कंपनी से जुड़ना चाहते हैं तो आप किस तरह से जुड़ सकते हैं, एवरीथिंग के बारे में डिटेल से बात करेंगे। सो हेलो सर, कैसे हो आप? आई एम फाइन, आई एम गुड, हाउ आर यू? फाइन सर, एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे सर। या मैं संदीप गुलाटी, मेरे मित्र हैं रजनीश बाली, ये उन्होंने ये आइडिया और ये फैक्ट्री और ये प्रोडक्ट ये खुद ही यहाँ पे लेकर आए हैं इंडिया में। अच्छा। इनके कोलाब्रेशन विद जर्मनी, इटली और उसके बाद जब कोरोना का टाइम आया तो अंडर मैन्युफैक्चर इन इंडिया ये कोलाब्रेशन जर्मनी और इटली की मशीन्स ला के फिर उन्होंने यहाँ पे खुद इसके पार्ट्स वगैरह यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने शुरू किए। अच्छा। ये फैक्ट्री जो है फरीदाबाद में बल्लभगढ़ में सेक्टर 25 में लोकेटेड है। अच्छा। और ये जितने भी आप प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखेंगे 90 डिग्री के अंदर कहीं पे भी ये टर्निंग हो, इन्होंने आप पीछे देखेंगे बालकनी से लेके किचन से लेके टॉयलेट्स बाथरूम्स एंड कोई भी सिटिंग रूम हो या बाहर गजीबो बना हो, हर एक के लिए इन्होंने सॉल्यूशंस निकाले हैं कि उसको मक्खी मच्छर कोई भी कीड़ा उससे कैसे बचाया जाए एंड प्लस घरों में प्राइवेसी कैसे देनी है, उसके लिए ब्लैकआउट शील्ड्स वगैरह या ट्रांसपेरेंसी, कितनी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, कितनी ओपेकनेस चाहिए, ये सब आइडियाज़ वगैरह लाके इन्होंने अलग अलग टाइप की मेश बनाई है और उसको एल्युमिनियम के फ्रेम्स में जो पाउडर कोटेड है वो अगेन कस्टमाइज्ड है, उसमें क्या कलर चाहिए, उसमें ग्लॉस फिनिश चाहिए, उसमें मैट फिनिश चाहिए, ये सब चीज़ें जो हैं इन्होंने इनोवेशन करके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी है। अच्छा। और अभी ये पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अच्छा। तो ये तो हो गई हिस्ट्री। या ये तो बोल सकते हैं कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया एब्सोल्युटली फर्स्ट टाइम इन इंडिया, यही यहाँ पे ये आइडिया लेकर आए हैं और इन्होंने आज से 10 साल पहले ये यहाँ पे प्रोडक्ट स्टार्ट किया था। अच्छा। और आज ये इंडिया में लीडिंग है। अच्छा। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं जो UPVC या एल्युमिनियम फ्रेम्स वगैरह के डोर्स और विंडोज़ लगाते हैं, ये उसके साथ मेश का सोल्यूशन देते हैं। अच्छा। कि आपने डोर्स विंडोज़ तो लगा लिए ग्लास के, लेकिन जब खोलते हैं तो मक्खी मच्छर अंदर आ रहे हैं, उसको कैसे कवर करें। ये मेश जो सोल्यूशन है वो इनके पास ही है और इन्होंने ही इंडिया में ये स्टार्ट किया था। और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी कितनी चाहिए, डेंसिटी कितनी चाहिए और साथ में अगर हवा भी तेज़ चल रही है तो उसमें ये मेश कैसे अपने आप को होल्ड करेगी, ये सब चीज़ें भी इनके इसमें इंक्लूडेड है। अच्छा। अगर आउट ऑफ शेप भी होती है तो आप जस्ट खोलिए बंद करिए वो वापस अपनी शेप में आ जाएगी। अच्छा। ये सिंथेटिक मेश है, फाइबर ग्लास मेश भी लेकर आए हुए हैं, इनके पास रोल डाउन सॉल्यूशंस भी हैं ऊपर से नीचे तक कैसे कवर करना है, हाथ से नीचे लाना है, स्ट्रिंग से नीचे लाना है या ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस वो भी लेकर आए हुए हैं। तो सर यहाँ पर काफ़ी प्रोडक्ट आपने शोकेस किए हैं, कुछ प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं। बिल्कुल, आइए आपको ऑन ग्राउंड जो है हम दिखाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक, हाँ जी, मटेरियल से। ये है सिंगल डोर प्लेटेड मेश, ये दो चैनल्स के ऊपर मूव करती है। आप ध्यान से अगर थोड़ा नीचे देखेंगे तो ये 8 mm का चैनल है और आपके बगल में ये जो ग्रे कलर का है ये 1 inch का चैनल है, ये इन दो चैनल के ऊपर मूव करती हैं। ये तो सिंगल डोर है, ये सिंथेटिक इसके अंदर मेश है, ये मेश जो है हवा को आराम से झेल सकती है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आउट ऑफ शेप भी होती है आप इसको बंद करिए और वापस इसको खोलिए, ये वापस अपनी शेप में आ गया, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये डबल डोर है, इसमें कोई भी एरिया अगर कवर करना है इसको आराम से कितनी भी लंबाई हो कवर कर सकते हैं, अलग अलग डोर्स एंड विंडोज़, इसमें डोर्स वगैरह ये स्लाइडिंग डोर्स लगा के। अच्छा।
तो ये डबल डोर है। किस तरह के मटेरियल, किस तरह के हैं से ये? सेम मटेरियल, ये सिंथेटिक मटेरियल है, सिंथेटिक मैश है ये, वॉशेबल है। अगर डस्टबिन जम जाती है, कोई चिपक भी जाती है चीज़, गीले कपड़े से उसको साफ़ कर लीजिए, हल्के ब्रश से या वैक्यूम क्लीनर से इसको आप साफ़ कर लीजिए। अच्छा, अगर नीचे की तरफ डस्ट भी चली जाती है, घर में तो आप झाड़ू लगाते ही हैं, इसमें थोड़ा सा ब्रश लगा दीजिए, ब्रश से पूरी डस्ट बाहर निकल जाएगी, इसमें कोई चीज़ टिकने वाली नहीं है। और बहुत ईजी टू ऑपरेट है, बहुत हल्का है, कोई भी इसको ऑपरेट कर सकता है, बच्चे से लेके बूढ़ा कोई भी है, किसी भी एज का है इसको ऑपरेट कर सकता है। ये ऑटोमेटेड सोल्यूशन है। अभी मैं आपको ये ऑटोमेटेड सिस्टम दिखाऊंगा, जो कि ग्रे शेड में है, और इसकी ओपेकनेस वगैरह ये सब हम जो है अलग अलग मटेरियल के साथ कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितनी इसमें डेंसिटी चाहिए, कितना इसमें अंदर बाहर देखने के लिए चाहिए। तो ये तो सर वेयर, जैसे वेयर हाउसेज हैं उनके लिए भी काफ़ी ये किसी भी जगह पे, चाहे ऑफिस हो, रेस्टोरेंट होटल हो, वेयर हाउस हो, मैन्युफैक्चरिंग प्लेस हो, डॉक्टर के क्लिनिक हो, घर हो, किसी भी जगह पे आप इसको लगा सकते हैं। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। जैसे एसी चल रहा हो तो उनको रोकने के लिए ये नहीं, इसमें हवा रोकने के लिए ये नहीं है। अच्छा। ये सिक्योरिटी और हवा के लिए नहीं है। अच्छा। ये बेसिकली आपको कीड़े मकोड़े जो उड़कर आ रहे हैं उनको रोकने के लिए है। अच्छा। जैसे बालकनी को आप बैठ रहे हैं, बालकनी के अंदर जो है आप अगर जैसे बैठे हुए तो कीड़े आ गए, मच्छर आ गए, आपको परेशान करते हैं, लेकिन आप हवा का मज़ा लेना चाहते हैं तो वो सोल्यूशन भी हमारे पास है बालकनी को कवर करने के लिए। आइए वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, जैसे हम एक बालकनी में खड़े हैं, आप हवा का मज़ा लेना चाहते हैं, शाम का टाइम हो गया लेकिन आपको मच्छर वगैरह तंग कर रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन भी है। ये स्लाइडिंग मैश जो है 90 डिग्री में बिल्कुल क्लोज हो जाती है, और आप देखिए आप आराम से अंदर बैठिए, अपना जो भी चाय पीनी है, पानी पीना है, जो भी ड्रिंक वगैरह लगाना है, आराम से अपना एंजॉय करिए हवा के साथ, पूरा मस्त बिल्कुल होकर एंजॉय करिए। लॉकिंग सिस्टम आपने बनाया कि ये लॉक हो जाए? मैग्नेटिक सिस्टम है जो बिल्कुल 100% सील कर देता है, कोई मक्खी मच्छर अंदर नहीं आ सकता, और ये वॉशेबल है। उसके बाद खोल लिया जो मर्जी करें। दूसरा चैनल जो ये दूसरा जो ये ब्लैकआउट है, इसमें अंदर बाहर नजर नहीं आएगा, और इससे एसी का हवा भी आप रोक नहीं, अंदर कोई मूवमेंट, इसमें हवा का कोई मूवमेंट नहीं होगा, अंदर बाहर कोई इसमें देख भी नहीं सकता। अच्छा। ये पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा। तो दोनों तरह से आप ये मैच कर सकते हैं, दोनों सॉल्यूशन अवेलेबल है। और यहाँ पर ये अभी ये जो है ये सिस्टम हमारा बैरियर फ्री, ये सिस्टम जो है ये बैरियर फ्री सिस्टम है। आपने देखा होगा ज़मीन में चैनल लगा हुआ था, इसमें चैनल नहीं है, एक पतली से स्ट्रिप है। अच्छा। जहाँ पे नीचे की तरफ हमारे पास कोई फ्रेम नहीं है लगाने के लिए, बाकी तीन तरफ ये फ्रेम अवेलेबल होते हैं, चकोट एक नॉर्मल कोई भी चकोट होती है उसमें दरवाजे या खिड़की वगैरह जो भी आप लगा देते हैं उसमें, ये तीन तरफ से लगा के ये नीचे एक स्ट्रिप लगा देते हैं, और ये उसमें चेन के ऊपर चलता है। ये देख रहे हैं इसमें ये चेन है, ये चेन के ऊपर चलता है। अच्छा, यहाँ पर चेन, ये बहुत मजबूत है, इस चेन की बिल्कुल कोई मेंटेनेंस नहीं है, अगर आप इसके ऊपर खड़े होके या कोई भारी चीज़ भी इसके ऊपर से निकाल रहे हैं इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उसके बाद आराम से चलेगा। तो जहाँ पर लगातार मूवमेंट हो तो वहाँ पर ये मूवमेंट वगैरह हो ये उसमें आप आराम से लगा सकते हैं, सामान अंदर बाहर जा सकता है। ये जो है ये फ्रीडम के साथ है, ये फ्रीडम वाला जो है इसको आप कहीं पे भी लेफ्ट में, अपने राइट में, कहीं पे भी इसको रख सकते हैं, और जो आपको एरिया कवर करना है आप उसके हिसाब से इसको कवर कर सकते हैं। अच्छा। आपने और एरिया कवर करना है, ये साइड में एक कोर डोर है उसके साथ लगा दिया। अच्छा। और ये तीसरा इसके साथ दरवाज़ा है, ये इसके साथ लगा दिया, ये आपने पूरा एक एरिया आपने एक कवर कर दिया। ये तो एक ये सॉल्यूशन हो गया। इसको आप किसी तरफ भी रख दीजिए। अच्छा। ये और उसके बाद पूरा एरिया आपके पास अवेलेबल है, आप पूरा एंजॉय करिए, व्यू एंजॉय करिए, कुछ भी एंजॉय करिए। आपको एक सिस्टम और दिखाते हैं, ये हमारा फ्रीडम सेक्शन है, आप इसको लेफ्ट एंड राइट में कहीं भी रख लीजिए, और उसके बाद इसको खोल के कहीं भी एरिया कवर कर। तो इसमें आपने वुडन यूज़ किया या
ये कस्टमाइज्ड फ्रेम बनते हैं, ये किसी भी कलर में किसी भी डिज़ाइन में बन सकते हैं। इसमें ग्लॉस फिनिश और मैट फिनिश भी हम दे सकते हैं, कोई भी कलर। हम किसी भी खिड़की, दरवाजे, दीवार किसी भी उसके साथ ये मैच कर सकते हैं। और यहाँ पर ये दरवाजे के लिए आपने ये रोल डाउन वाला सॉल्यूशन है, ये जिसमें ये खिड़की इसको नीचे लेकर आ जाते हैं, ये कवर कर। अगर जैसे खिड़की ऊपर की तरफ लगी हुई है, हाथ नहीं पहुंचा, तो एक स्ट्रिंग दी होती है, उससे आप नीचे खींच के लाके इसको नीचे लॉक कर सकते हैं। आप किसी भी खिड़की को इसमें विद रोल डाउन मैश आप कवर कर सकते हैं। इसको ऊपर उठाने का भी तरीका बड़ा आसान है, दो टाइप की इसमें चीज़ अवेलेबल होती हैं। आप साइड से भी इसको ऐसे दबाएं तो ये ऊपर चला जाएगा, और इसमें एक बटन भी होता है ये बीच में, आप अगर बटन को भी ऐसे बीच में प्रेस करेंगे तब भी ऊपर चला, तो ये खुद ब खुद खुद ऊपर चला जाएगा। ये जो है किसी भी खिड़की के ऊपर लगाया जा सकता है। आपने ये देखा होगा, ये प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक लगा होगा, और जो भी इसको देखता है उसको यही फील होता है कि ये हमको पहले क्यों नहीं पता चला कि हमने अपने घर में जो हमने लकड़ी का इतना वो चीज़ें लगवा ली हैं, उसके बाद हमें परेशानी हो रही है, लकड़ी फूल रही है, बारिशों में भूल जाती है और सर्दियों में और गर्मियों में फिर सिकुड़ जाती है और गैप आ जाते हैं, उसके अंदर से मक्खी मच्छर आ जाते हैं। ये सोल्यूशन 100% आपको सील करके पूरे सोल्यूशंस देगा, और यूनिक भी है। आप देख सकते हो काफ़ी भीड़ भी है, इधर दिखाओ तो ये लोगों को यूनिक लग रहा है तो वो आएंगे। लोगों को समझ में आ रहा है कि ये सोल्यूशन जो है सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, खास करके जब ये मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं उनसे कैसे बचना है, ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। सर यहाँ प्रोडक्ट तो हमने देख लिया, काफ़ी यूनिक भी है और काफ़ी स्टाइलिश, और घर में लुक भी काफ़ी कमाल का देने वाला है। जो प्लीट्स इसके अंदर आ रही हैं वो एक अलग सा ही नज़रिया दिखाता है और एक फीलिंग अलग से ही देता है। और आप देखते होंगे प्लेन आपने मैश लगा दी, लोहे की मैश लगा ली, वो प्लेन ही नज़र आ रहा है, उसमें कोई यूनिकनेस या ब्यूटी कुछ नज़र नहीं आ रही है। लेकिन इसमें जब प्लीट्स आप देखते हैं, आप प्लीट के थ्रू अंदर बाहर देख रहे हैं या प्लीट को वैसे ही लगा हुआ देख रहे हैं, तो आपको एक अच्छा एक ब्यूटीफुल लुक देता है। ये डिफरेंस है। अभी हमने देख लिया, ये सब तो देख लिए, लोगों का बेसिक क्वेश्चन होगा भाई बजट क्या पड़ जाएगा, इनको लगाने में क्या खर्च पड़ जाएगा। देखिए ये अलग अलग प्राइजेस में आता है, और कंपनी ऑफ कोर्स डिस्काउंट वगैरह देती है डिपेंडिंग कि कितना ऑर्डर है, एंड उसके ऊपर जो है डिस्काउंट देके हम कस्टमर को पूरा अपनी तरफ से सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश करते हैं। ऑन एवरेज क्या पड़ जाएगा? हमें चाहिए कि हमारा कस्टमर फुली सेटिस्फाइड हो, कॉस्ट की चिंता ना करें। कंपनी आपके बजट के हिसाब से देख के आपकी पूरी 100% आपको इंसेक्ट फ्री सॉल्यूशन देगी। ऑन एवरेज अगर देखें क्या? ऑन एन एवरेज मिनिमम जो है हमारे से B2B और B2C अलग अलग प्राइसेस होते हैं, तो ये प्राइस अगर मैं अभी कोट करूँ तो ये कोट हो जाएंगे, एंड डिपेंड करता है कि वॉल्यूम कितना है। तो हमें तो हर चीज़ वर्कआउट करनी पड़ती है कि हमारा कस्टमर किस टाइप का आया हुआ है, हम उसी हिसाब से कॉस्ट देते हैं। आप ये लेके चलिए, ये 140-150 से भी स्टार्ट होके ये 450-500 रुपये तक भी जा सकता है पर स्क्वायर फीट। एंड जो ऑटोमेटेड वाला सिस्टम है ये 1400-1500 स्क्वायर फीट में भी अवेलेबल है। तो ये तो इसके बाद रुपीज़ में बात कर रहा हूँ, रुपीज़ में अवेलेबल है। और आप बिजनेस किस तरह से करते हैं? सी बिज़नेस जो है, एक तो पैन इंडिया, ये पूरे इंडिया में इसकी सप्लाई है, एंड हमारे डीलर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, एंड इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी अलग अलग जगह पे होती है, जैसे मुंबई में है, चेन्नई में है, बेंगलोर में है, अलग अलग जगह पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी है, और वहीं से जो है डीलर्स अपना सामान वगैरह अपना डिमांड करते हैं, वहीं से उनको सप्लाई हो जाता है। तो आप चैनल पार्टनर बनाते हैं B2B में, तो अगर कोई आपकी कंपनी से जुड़ना चाहे, उनको ये प्रोडक्ट अच्छा लगे और सेल करना चाहे, रजनीश बाली को कांटेक्ट कर सकते हैं, मिस्टर रजनीश बाली को कांटेक्ट करें वो। और डायरेक्ट कंज्यूमर B2C में देखे तो वो कैसे? आप डायरेक्ट कंज्यूमर भी हमारे, हम ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं, हमसे कॉन्टैक्ट करें एंड उनकी जो रिक्वायरमेंट है हम उसका सोल्यूशन देते हैं, फिर लोकल डीलर को हम बताते हैं, वो उनसे आगे कांटेक्ट कर लेते हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं हम उनको बताते हैं, वो उनके सॉल्यूशंस निकाल के उनको कस्टमाइज प्रोडक्ट उनके पास डिलीवर करेंगे और फिट करके देंगे। तो कैसे कांटेक्ट करें? आप कार्ड शो कर सकते हैं सर? वेबसाइट को भी अवेलेबल है, आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी देखने के लिए,
और ये मिस्टर बाली का जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। तो यहाँ पर आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। और सर ये किसी टाइम भी कोई भी आपको इंसेक्ट फ्री सोल्यूशन चाहिए तो वो इंसेक्ट शील्ड के पास ही अवेलेबल। अच्छा, चलिए सर, बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।